गॉर्मेंट्स। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि सर्दियां चल रही है, सर्दियों में किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन ठंड जरूर लगती है। कोई कोने में पड़ा है तो कोई अभी तक चंदन में पड़ा, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ है क्या कर रहे हैं। बस ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपके लिए हमने सुबह सुबह बिना नहाए वीडियो बनाने गए मजा कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्दियों में सुबह सुबह बिना नहाए गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ नाश्ता मिल जाए तो आहा, वही फीलिंग हम आपको देने के लिए आज बनाने जा रहे हैं बेस्ट ब्रेकफास्ट इन कलोल। तो हम कलोल में अलग अलग जगह जाएंगे और जो भी बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस है वो आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम वापस आए तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। तो गाइज अभी हम हमारे सेकेंड प्लेस पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो श्रीजी चाय वाले पे। हाँ वैसे भी चाय की याद आए तो इसको चाय वाला ही याद आता है, मैं तो पीता नहीं इसलिए इसको याद आए। अब इधर हम खाएंगे आलू के पराठे और इसके साथ पोहे। हाँ वैसे ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पर बहुत सारी दूसरी भी आइटम्स मिलती है, लेकिन अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो सोचा आपको आलू पराठे और पोहे दिखाते हैं। और यहाँ पर वैसे अभी कोई भीड़ तो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आप शाम के टाइम पे आओ और रात के टाइम पे आओ तो यहाँ पर बहुत ही पूरा क्राउड ही रहता है। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं इसका एम्बियंस। गाइस तो आप लोग देख सकते हो हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, हमने लिया है आलू पराठा और पोहे और साथ में चाय भी चाय, है गर्मा तो गर्म चाय। पोहे हम पहले टेस्ट कर लेंगे क्योंकि वो पहले लिए थे तो काफी थोड़े ठंडे हो गए, तो इसको और ठंडा नहीं करते और चलो टेस्टिंग करते हैं पोहे और गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। वैसे इन दोनों को तो चाय वैसे इतनी पसंद नहीं है तो चाय हम चाय पीते ही नहीं है। इसके अंदर इन्होंने अच्छा बहुत ही बीट्स डाले हैं, वेजिटेबल्स है, अनियंस है, टमाटो अनियंस सेव डाली और मसाला भी डाला है इन लोगों ने और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। स्पाइसी है, ग्रीन चिली डाली है जिसके ग्रीन चिली डाली इसलिए स्पाइसी टेस्ट आ रहा है। वैसे पोहे थोड़े से स्वीटर साइड है लेकिन तो भी अच्छा बैलेंस टेस्ट आ रहा है, थोड़े से स्वीट है पर क्या है हम गुजरातियों को स्वीट सब में अच्छा लगता है। तो वैसे ये चिलीज की वजह से थोड़ा स्पाइसी लग रहा है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। अभी चलो चाय टेस्ट कर लेते हैं। चाय भी मस्त एकदम इलायची बिलायची मार के मस्त बनाई है। अभी इन दोनों तो पीते नहीं है तो अभी इनको टेस्ट कैसे कराएंगे। 16 सालों से बंद है। कैसी है? अच्छी, एक बार टेस्ट करके देखो। नहीं मैंने पी। अब आलू पराठा भी टेस्ट कर लेते गाइस। सुबह सुबह ऐसे आलू पराठा और ऐसी चाय मिल जाए और क्या चाहिए हमको। मुझे तो ये कर्ड देख के ही मुझे पानी आ रहा है। साथ में दही और ग्रीन चटनी दी हुई है इन लोगों ने, तो जल्दी से टेस्ट करके बता दे कैसा है। चलो
आप लोग स्टफिंग देख सकते हो। हाँ स्टफिंग तो हाँ मेकिंग में भी आपने देखा होगा कि स्टफिंग तो काफी भर भर के डाला है दही के साथ, पहले टेस्ट और काफी गरम गरम है। अभी इतनी ठंडी में ऐसा गरम गरम नाश्ता और क्या चाहिए गाइस। पराठा तो दही के साथ ही मजा आता है। अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। उन्होंने हमें पूछा था कि स्पाइसी करना है, तो हम लोगों ने मीडियम करवाया है, तो और पोहे में ग्रीन चिलीज ज़्यादा थी तो वो स्पाइसी खाने के बाद ये थोड़ा सा सैटल फ्लेवर्स लग रहे हैं। अब ग्रीन चटनी के साथ भी टेस्ट करके आप लोगों को बता देते हैं कि कैसा है। वैसे पराठे एकदम डिसेंट टेस्ट है, मतलब पराठे में तो और क्या होता है, सारी जगह ऐसे ही सेम ही मिलता है। और गाइस आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बीच में क्या है, ये तो ये अम्ब्रेला है, मैं दिखा देता हूँ। चलो ओके गाइस, तो हमारा प्लेस है ये सौराष्ट्र गांठिया नाश्ता हाउस, और इसमें हम ट्राई करने वाले फाफड़ा और जलेबी, तो ऑब्वियसली सारे गुजरातियों का फेवरेट ही होगा, और आपको नहीं पसंद तो आप गुजराती कहलाते ही नहीं। तो अब जल्दी से इनका फाफड़ा जलेबी काफ़ी फेमस है इनका, तो बहुत फेमस है सौराष्ट्र गांठिया, तो अब जल्दी से मंगवा लेते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। रॉ पपाया का होता है और उसको स्लाइसेस करके उसमें मसाले डाल के दिए हैं, साथ में ये है येलो कर्डी, ये है इनकी ग्रीन चटनी जो स्पाइसी रहती है, और ये है रेड वाली चटनी। तो आप लोगों को बता देते कि कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट फाफड़ा, और मैं ये गांठिया से स्टार्ट करता हूँ। I'm gonna taste the phafda with the yellow chutney first. Aha. It's really good. और ये जो है जो जिसको सांभारा कहते हैं, इसका रो पपाया चटनी स्लाइस करके लोगों ने दिया है, तो भी काफ़ी अच्छा लगता है इसके साथ। I'm gonna taste it with green chutney now. सबसे बेस्ट। इनका ग्रीन चटनी भी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो सारी जगह पे ये येलो कर्डी और ग्रीन चटनी मिलता है, पर इन लोगों ने एक्स्ट्रा ये रेड चटनी भी दिया हुआ है, तो उसको भी हम टेस्ट करके बता देते हैं। हाउ इज द गांठिया? बेस्ट मुँह रखते हैं, कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता। ओके, तो ये रेड चटनी भी काफ़ी अच्छी है, पता नहीं किसकी बनाई इन लोगों ने, हम उनको पूछ के पता जाएंगे। नाउ लेट्स टेस्ट द जलेबी नाउ। द कॉम्बिनेशन ऑफ फाफड़ा एंड जलेबी इज रियली रियली बेस्ट। इफ यू हैवंट ट्राइड इट येट देन यू मस्ट ट्राई इट। ओके, जलेबी ठंडी है, अगर गर्म ठंडी होने के बाद भी काफ़ी क्रिस्पी है, अगर गर्म होता तो इट वुड बी मोर बेटर, बट स्टिल इट्स नाइस। सो गाइस हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हम, हाँ वो है हमारी सेव खमणी। यहाँ पर वैसे सेव खमणी बहुत ही अच्छी मिल रही है, ये कलोल में अगर आपको सेव खमणी खाने, सेव खमणी वैसे आपको पता तो नहीं होगा, एक फेमस डिश है यहाँ गुजरात की, जिसको खमण जो होता है उसको चूरा करके बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर सेव और फिर चटनियाँ वो सब डाल के। तो ये हमारी कलोल की बहुत ही फेमस जगह है, हमारी सेव खमणी, हमारी मतलब हमारी। तो चलो गाइज अभी इसकी सेव खमणी टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी होती है इसकी सेव खमणी।
गाइज आप लोग देख सकते हो हमारी सेव खमणी आ गई है, देखो देखने में कितनी टेम्पटिंग। ये ऊपर इन्होंने ग्रीन चटनी डाला है, ये सेव है और इसके नीचे छुपी है हमारी सेव खमणी। और ये कचुंबर बहुत ही टेस्टी होता तो है। ये इसका ये सलाद जो होता है वो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो अभी टेस्ट करते हैं इसको अच्छे से मिक्स करके। खट्टा मीठा, मेरा तो सबसे फेवरेट डिश यही है नाश्ते में। अगर आपको ये मिल जाए अगर नाश्ते में तो और कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतना गरम गरम नहीं खाया जाता, ये डिश ठंडी होती है। इसकी सेहत ऊपर से खमणी में, इसका रिव्यू मैं आपको मतलब मुंह से बयान नहीं कर पाता। अगर आपको यहीं आना पड़ेगा इसको टेस्ट करने के लिए। ये कौन सी जगह है? करोल में ये वखारिया है, वखारिया चार रास्ता करके फेमस जगह है, वहीं पे है। बहुत ही टेस्टी लगा ये, सबसे अच्छा मुझे यही लगा। मतलब इसमें जो खमण का वो टेक्सचर होता है दानेदार, फिर क्रिस्पीनेस आ जाती है सेव की वजह से, और फिर वो जो चटनी की स्पाइसीनेस होती है, मतलब एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक नाश्ते के लिए। ये कचुंबर तो बहुत ही टेस्टी, मुझे तो यही पसंद आया। ओके गाइस, तो अभी आप लोगों ने सारी अलग अलग जगह के ब्रेकफास्ट देख लिए होंगे। अगर आप चाहते हो कि हम इसका पार्ट टू भी बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि हम पार्ट टू बनाए कि नहीं। इस वीडियो को 100 लाइक कर देना प्लीज। हाँ, तो अगर आप 100 लाइक्स कर दोगे तो इसका पार्ट टू आपको नेक्स्ट वीक ही देखने को मिलेगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़, और लाइक भी करना और शेयर भी करना। 50% जो व्यूअर्स है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस 50 को 80 तक ले जाइए100 तक मिल जाएंगे हमारे।